ये देखिए, राम जी के आने की खुशी में आज मैं आलू टमाटर और पालक और सोया की सब्जी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी पूड़ी, जो कि आज बहुत ही खास दिन है तो पूड़ी तो बनता है बन तो। और इसके बाद मैं बनाऊँगी थोड़ा सा खीर, जो कि चावल का बनाऊंगी। और उसमें जो अक्षत अयोध्या से हम लोग को मिले हुए हैं वो चावल में उसमें डाल के बनाऊंगी। और इस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा, हम लोग इसका आनंद लेंगे। तो आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और मुझे तो बहुत दिन से खुशी हो रही है। तो ये देखिए, ये वही चावल है और इस चावल को हम थोड़ा सा धुल लेंगे और फिर इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए, दूध हमने रख दिया है गैस पे और इसको हम दूध में डाल के अच्छे से पकाएंगे और बनाएंगे बढ़िया सा खीर। और इस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करेंगे। इधर आप सब देख सकते हैं कि हमने थोड़े से चावल जो है धुल के इसमें हमने मिक्सी जार में पीस लिया है और इसको हम दूध में डाल के बनाएंगे खीर। और ये चावल भी हम डाल के बनाएंगे। तो अब हम इस चावल को इसमें डाल देते हैं दूध में। दूध उबलने लगा है, इसमें डाल देते हैं थोड़े से केसर। लीजिए, सुपर टेस्टी खीर बनके तैयार। स्वादिष्ट प्रसाद बनके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी। और इधर हमारा बहुत ही अच्छा सब्जी पूड़ी और खीर बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये देखिए, बिना लहसुन प्याज के। और इधर मैं आ गई मंदिर और मैं अपने बेटे से कह रही हूँ थोड़ा सामने से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि मैं अपने जो है फ्रेंड्स लोग को दिखा सकूं कि मैं मंदिर आई हूं। और यहां पे देखो भजन कीर्तन हो रहा है और यहां सारी औरतें और यहां सब जेंट्स भी बैठे हुए हैं और सभी लोग बैठ के अच्छे से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग अपने घर जाएंगे, फिर खाना पीना खा के फिर मंदिर आएंगे। आज पूरे दिन मंदिर में ही हम लोग रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और राम जी के आने की खुशी में और डांस भी करेंगे। सभी के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ही खुशी है और राम जी के आने की खुशी में सभी लोग अच्छे से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। जब अयोध्या में पूजा हो रही थी तब हम लोग भी मंदिर में बैठ के राम जी की पूजा किए, उनका स्वागत किए और उनके लिए भजन कीर्तन किए। और रात भर ये सब चलता रहेगा और हम लोग ऐसे ही मस्त झूमते रहेंगे और उनकी खुशी में गीत ऐसे ही गाते रहेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे। और सनातन की जय हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार जैसे पूरे हिंदू एक हो गए हों। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि सारे हिंदू एक होके और एक ही तरह अपने भक्ति में धुन में एकदम रमे हुए हैं। ऐसा पहली बार कभी देखने को मिला है दृश्य कि एक ही समय पे सभी भक्त एक ही समय पे सभी भक्त गाना और कीर्तन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इतनी अच्छे अच्छे गाने सब लोग गा रहे थे और मैं गाने में बहुत ही मजा आ रहा था। मैंने वीडियो को कभी शूट किया था पर इसको यूट्यूब पर डालने के लिए समय ही नहीं मिला, इसलिए मैं अभी इसको सारे वीडियो को डाल रही हूँ यूट्यूब पे ताकि आप लोग भी देखिए। तो रात हो चुका है और रात को हम अपने मंदिर में अच्छे से पूजा अर्चना कर लिए हैं। ये देखिए, राम जी का हमने दीपक जला लिया है और उनके अच्छे से पूजा आरती कर ली है और अपने मंदिर को भी सजा लिया है और बाहर भी हमने दीपक जलाए हैं, जो कि अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए, राम दरबार की सभी
की जय हो। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा मंदिर है बहुत प्यारा सा, यहाँ सभी भगवान विराजित हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करना। तो ये देखिए मेरे बाहर की दहली, तो हमने यहाँ दीपक जला दिया है और हमने तुलसी माता को भी दीपक जलाया था और बाहर भी जलाया था। और अब फिर से आ गए हैं हम मंदिर में, और मंदिर में यहाँ देखिए कितना अच्छा से भजन कीर्तन हो रहा है और प्रसाद बन के बढ़ रहा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट हुई है। रात को तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर, और देखिए यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं और सभी लोग दीप जला रहे हैं। मैंने भी दीप जलाया और डांस करना शुरू कर दिए हैं, डांस कर रही है। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे।